नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे अनुपम फिनसर्व की। जानेंगे वीडियो में कि कंपनी की क्वार्टर फोर की अर्निंग कैसी रही है और इसके अलावा कंपनी ने डेब्ट है, कर्जा है, वो कितना कम किया है, रिजर्व कितना बढ़ा है। तो वीडियो काफ़ी छोटा और इन्फॉर्मेटिव है, आप अंत तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंपनी की सेल्स अब की बार 64 लाख, यानी कि पिछले 3-4 क्वार्टर की तुलना में कंपनी की सेल्स कम हुई है। एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे, अब की बार कंपनी का प्रॉफिट है 31 लाख, पिछली बार 35 था, उससे पहले 45, उससे पहले 21। तो कंपनी का प्रॉफिट प्रीवियस क्वार्टर की तुलना में भी कम हुआ है। बात करें ईयर टू ईयर कंपैरिजन, तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन में पिछले 4 साल का डाटा है, मार्च 19 से लेकर अब तक। तो अब की बार फिर से यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ी है। वहीं बात करें प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर कंपनी का बढ़ा है। पहले 64 था 4 साल पहले, फिर 64, फिर 1 करोड़ 27 लाख, और अब की बार 1 करोड़ 32 लाख, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा यहाँ पे साल टू साल बढ़ रहा है। बात करें रिजर्व की, तो कंपनी के पास अब की बार रिजर्व है 2.29, यानी कि प्रीवियस ईयर की तुलना में कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा है। बोरोइंग यहाँ पर कंपनी ने लगभग आधी कर ली है। पिछली बार 6 करोड़ 47 लाख थी, जो अब की बार 3 करोड़ 9 लाख के आसपास पहुँच गई है। तो कंपनी ने जो अपना कर्जा है वो काफ़ी हद तक कम किया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 29.31% की होल्डिंग है। बात करें प्लेज शेयर की, कि हाल ही में इस क्वार्टर के रिजल्ट के साथ क्या प्रमोटर्स ने कोई शेयर प्लेज किया है, तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। तो ओवरव्यू अगर हम देखें रिजल्ट का, प्रीवियस क्वार्टर की तुलना में कंपनी के रिजल्ट इतने शानदार नहीं रहे, लेकिन प्रीवियस ईयर की तुलना में, पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में कंपनी के रिजल्ट काफ़ी सही है। रिजर्व कंपनी का बढ़ा है और बोरोइंग कंपनी ने लगभग आधी की है। पिछले साल जहाँ 6.5 करोड़ के आसपास बोरोइंग थी, वो अब की बार लगभग 3 करोड़ के आसपास रह गई है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि कंपनी अपने कर्जे को कंटिन्यू कम कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव है कंपनी के लिए। तो आने वाले टाइम में कुछ ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इस स्टॉक को कंटिन्यू ट्रैक करें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।